चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 डेट द अन्य रक्षा विधि अध्याय। देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 7 अन्य रक्षा विधि अध्याय है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रेंड में देखा गया कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और इजीली हम उनसे नंबर गेन कर सकते हैं। यानी एक तरीके से हाई यील्डिंग एरिया है, यानी हम यहाँ से थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि अभी हमने आपको चैप्टर ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यूजी में भी और पीजी में भी दोनों तरीके से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और जब हम अष्टांग की बात करते हैं तो इनको तो डिस्कस करते हैं, लेकिन जब चरक की बात करते हैं तो इन सारे टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में ले जाके डिस्कस करते हैं। देखिए क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि क्योंकि हमारा सारा कंटेंट लेटेस्ट रहता है, जो हमारा इस टाइम हमारी एजेंसी है डेट इज द NCISM, जो हमारी एजेंसी है वो NCISM है और इसी के अकॉर्डिंग सारे आपके एग्जाम होंगे, सारा सिलेबस सारा पेपर इसी के द्वारा डिजाइन किया जाएगा। तो हमारा पढ़ने का पैटर्न भी NCISM के अकॉर्डिंग रहेगा। यानी इन्होंने बोला कि जो आपका समेत अध्ययन है इसमें चरक के 12 चैप्टर रहेंगे, अष्टांग के 15 चैप्टर रहेंगे, तो हमें भी इसी के अकॉर्डिंग चलना है, इसी को फॉलो करना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पेपर इन्हीं को बनाना है तो हमको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी को फॉलो करते हुए हम आगे की बातें शुरू करेंगे। देखिए हमारी क्लासेस भी चलती हैं, लाइव क्लासेस जो कि जूम पर होती हैं, कंप्लीट प्रीमियम रहती है। और ये नोट्स नहीं है, उसके नोट्स अलग हैं, उसका कंटेंट अलग ही है, प्रीमियम है। मैंने आपको दिखा भी रखा है काफी बार और एक बार और दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन हमारी लाइव क्लासेस प्लस लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये दोनों फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं आप, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, जितनी भी सारी फैसिलिटीज हैं इंक्लूडिंग नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। और फीस भी काफ़ी रीजनेबल है, सिर्फ इतनी फीस रखी गई है जिससे जो जूम का खर्चा है वो निकल जाए और टीचर की फीस निकल जाए, बस। इससे ज़्यादा हमारी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कुछ क्वेरी वगैरह हो, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8630838731 पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 डेट इज द अन्य रक्षा विधि अध्याय। देखिए क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे अन्य रक्षा। अन्य रक्षा का मतलब क्या है? देखिए पहले क्या हुआ करता था, क्योंकि आज तो नहीं, आज क्या है, जैसे आज किसी को मारना होता, टपकाना होता है, तो अपन क्या करते हैं, शार्प शूटर वगैरह बुला लिए, उन्होंने आए वो गोली से उड़ा करके चले गए, कार से एक्सीडेंट कर दिया या ये सब कर दिया। लेकिन पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, लोगों को जहर खिला दिया जाता था। जैसे किसी को मारना है तो उसको हम वैसे नहीं मार पाते, तो जहर मिला दिया करते थे खाने में। आज भी स्टेशनों पर लिखा रहता है कि जहर खुरानियों से सावधान, इस तरीके की बातें लिखी रहती हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, कोई राजा महाराजा वगैरह हुए, उनको मारना है तो उनके भोजन में जहर या विष मिला दिया करते थे और उनको मार दिया करते थे। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, राजा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा के आत्म ही सारे कंट्रोल होते हैं। अगर राजा जिंदा होगा, राजा सही सलामत होगा, तो जो उसकी प्रजा होगी, जो उसका राज्य होगा, जो पैसा वगैरह होगा, वो सब कुछ राजा के कंट्रोल में होता है। आपको पता है कि अगर राजा सही रहता है तो सब कुछ ठीक रहेगा, राजा मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उनको राजा को बचाना है, और राजा को बचाने के लिए, राजा की रक्षा करने के लिए, और रक्षा किसी करनी है, अन्न की रक्षा करनी है। अन्न की रक्षा किससे करनी है, विष से करनी है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपको राजा के आहार में मिलाने से रोकना है। इसके लिए स्पेशल वैद्य, स्पेशल डॉक्टर अलॉट किए जाते थे, जो हमेशा राजा के पास रहते थे, राजा के घर के पास रहा करते थे और उसकी रक्षा करा करते थे। जैसे कि आपने महाभारत रामायण इन सब में देख रखा होगा कि वैद्य वगैरह हुए, सुसेन वैद्य वगैरह हुए, ये सब रावण के पास रहा करते थे, रावण का इलाज वगैरह किया करते थे, जो भी उसके घर परिवार में राज फैमिली हुआ करती थी उसका इलाज किया करते थे। उसी तरीके से पहले राजा महाराजाओं के पास अपने अपने पर्सनल वैद्य, जैसे आप लोगों के पर्सनल, हम लोगों के फैमिली डॉक्टर हुआ करते हैं ना, वैसे ही एक पर्सनल वैद्य हुआ करते थे, वो सारी बातों को समझाया करते थे, बचाया करते थे। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो प्राण आचार्य होता है उनको प्राण आचार्य बोला गया है, कि जो राजा के समीप रहे, राजा के समीप रहे मतलब राजा के पास रहे, उसका ध्यान रखे, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, सम्मान सम्मानशील हो, जिसका सम्मान करे राजा भी और राजा का भी वो सम्मान करे, और वो आयुर्वेद शास्त्र को जानता हो, उसी को बोलते हैं प्राण आचार्य। प्राण आचार्य मतलब जो प्राणों की रक्षा करने वाला आचार्य है। समझ रहे मेरी बात को? इतना सिंपल करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है काफी बच्चों को लगे कि सर इतना सिंपल क्यों बता रहे हैं, कि हमारा हर चीज में, चाहे हमारा अष्टांग हो, चाहे हमारा मॉडर्न हो, चाहे हमारा नीट हो, हर चीज को हमें सिंपल करके पढ़ना है, कठिन कठिन पढ़ना ही नहीं है। जब जो हम रास्ता सीधे सीधे ट्रेवल कर सकते हैं, तो हम घूम कर क्यों जाए? जब मैंने कहा कि मैं आपको सिंपल बातों में, सिंपल सिंपल चीजों से आपको अच्छे से पास करा सकता हूं, तो मैं जान करके ऐसे टेक्निकल वर्ड्स, ऐसे घुमाऊ वर्ड्स या फिर ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्यों बोलूं जिससे आप खामा का परेशान हो? तो बिल्कुल अपन चीजों को सिंपल लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए जब भी हम बेसिक्स की बात करते हैं, तो आयुर्वेदा में कुछ बेसिक्स होते हैं, आपने त्रिउपस्तंभ वगैरह के बारे में सुन रखा होगा। आइए थोड़ी सी बातों को मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि आपके आयुर्वेद में त्रिस्तंभ होते हैं, पहले स्तंभ की बात करेंगे। त्रिस्तंभ का मतलब होता है मेन पिलर्स, मेन पिलर्स।
ये कौन होते हैं? वात, पित्त और कफ, ये क्या है? मेन पिलर। वैसे होता है त्रि उपस्तंभ, त्रि उपस्तंभ ये क्या होते हैं? सपोर्टिव पिलर। ये क्या होते हैं? सपोर्टिव पिलर। डेट द आहार, डेट द निद्रा एंड डेट द ब्रह्मचर्य, तीनों के बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको, क्योंकि यहां पर त्रि उपस्तंभ की चर्चा आएगी। तो त्रि उपस्तंभ के अंदर हमको आहार का डिस्कस करना है, निद्रा का डिस्कस करना है और ब्रह्मचर्य का डिस्कस करना है। देखिए, आहार को आप लोग जानते हैं और आहार के नाम पर इस चैप्टर का नाम रखा गया अन्न रक्षा विधि अध्याय, जिसमें आहार के साथ साथ हम आहार के बारे में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग आहार की रक्षा कर सकते हैं, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो भोजन है उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ मिला हुआ है, हमें इसको राजा को नहीं देना है, इसे हमें किसी को नहीं देना है। तो आहार की चर्चा हो जाएगी, फिर निद्रा की चर्चा हो जाएगी, स्लीप, निद्रा, नींद की, कि कितनी नींद लेनी चाहिए, कितनी नींद नहीं लेनी है, ज्यादा नींद लोगे तो क्या हो जाएगा, कम नींद लोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टे सीधे टाइम पर सोगे तो क्या हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य का मतलब है शुक्र की रक्षा से, क्योंकि जो शुक्र होता है आपका अंतिम धातु होता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब आप लोग कोई आहार रस ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तो जठरग्नि के द्वारा उसका पाचन होता है, डाइशन होता है, उससे आहार रस की उत्पत्ति होती है। फिर आहार रस पर धातु अग्नि कार्य करती है, पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। यानी शुक्र को बनाने के लिए कितना टाइम, कितनी मेहनत, कितना समय, कितना प्रयास करना पड़ रहा है आपकी बॉडी को, तब जाकर के शुक्र धातु को निर्माण हो पा रहा है और आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको क्या करना है, आपको शुक्र की रक्षा करनी है, डेट इज नोन एज ब्रह्मचर्य। आप लोग बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे और बिल्कुल सीरियसली चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? अब मैंने आप लोगों से कहा कि अन्य रक्षा विधि अध्याय, अब सारी बातें वही लिख रही हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि राजा की रक्षा करनी है, कोई राजा को मार ना दे, अगर राजा मर जाएगा तो राजा के कंट्रोल में जितनी भी सारी चीजें वो सब गड़बड़ा जाएंगे। अब सोच कर देखिएगा कि क्या कहते हैं, एक राजा है, वो पूरे राज्य का पैसे का लेन देन, पूरे राज्य की ताकत है, पूरी प्रजा की ताकत है, सबको हिम्मत दे रहा है, पूरी सेना को संभाल रहा है, पूरे राज्य को संभाल रहा है, सारे कारोबार को संभाल रहा है, और वही अगर मर जाता है तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा, तो सबकी जिम्मेदारी होती है कि उस राजा को बचाएं। इसलिए वहां पर एक प्राण आचार्य है जो उसके प्राणों की रक्षा करे, जो आयुर्वेद को जानता हो, जो समझदार हो, जो हमेशा उसकी चिकित्सा में तत्पर रहे, और जिसने आयुर्वेद पढ़ रखा हो उसको हमेशा राजा के पास रहना चाहिए, यही प्राण आचार्य कहलाता हो, यही रक्षा करना है, उसके प्राणों की रक्षा है। अब इन बातों को पढ़ते जाते हैं और आप देखें कि चीजें कितनी आसान है, इतनी इजीली हमने चीजों को समझ लिया, आप यकीन नहीं मानेंगे। चैप्टर 7 के हमने सारे बेसिक्स खत्म कर लिए हैं, बेसिक्स मतलब एक आउटलाइन हमने पढ़ ली है, क्योंकि आज पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है। देखिए, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मोर देन इनफ है, बिल्कुल यकीन मानिएगा। आपको जितना मेरे द्वारा मेरे मुंह से वर्ड्स निकल जाएंगे, इन वर्ड्स इन वर्डिंग्स को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा आपका, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि त्रिउपस्तंभ, त्रिउपस्तंभ एक आहार आता है, निद्रा आता है, ब्रह्मचर्य आता है। जबकि बात करें त्रिस्तंभ के बारे में, देखिए उपस्तंभ, उप मतलब सपोर्टिव, और यहाँ पर त्रिस्तंभ है तो इसके अंदर वात आता है, पित्त आता है, कफ आता है, तो त्रिउपस्तंभ को ही त्रिस्थूण भी बोलते हैं। अब मैंने कहा चाहे आपका सपोर्टिव पिलर हो, चाहे आपका मेन पिलर हो, ये शरीर को संभालते हैं, शरीर को बनाकर रखते हैं। जैसे कोई घर होता है, कोई बिल्डिंग होती है, उस घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए पिलर्स चाहिए होते हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए पिलर्स चाहिए होते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे घर होते हैं तो घर में पिलर्स की जगह पिलर्स भी होते हैं, नहीं तो दीवारें होती हैं। क्या बिना दीवार के ऊपर की छत हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से कोई बिल्डिंग होती है, उसके लिए पिलर्स चाहिए होते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी एक प्रकार की बिल्डिंग है, उसको संभालने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? पिलर्स होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ जो मेन पिलर्स है, डेट इज द वात, पित्त, कफ, जिनको हम त्रिस्थूण भी बोलते हैं, त्रिदोष भी बोलते हैं, महादोष भी बोलते हैं, और वहीं कुछ सपोर्टिव पिलर होते हैं जिनको हम त्रिउपस्तंभ बोलते हैं, डेट इज द आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और इस चैप्टर के अंदर हम आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य की बात करेंगे। पहला है आहार। सबसे पहले आहार को क्यों रखा गया? देखिए, आहार को सबसे पहले रखने का कारण यही है कि जो आहार होता है वही सप्त धातु को निर्माण कराता है, और अगर आपके शरीर के अंदर धातुओं का ही निर्माण नहीं होगा तो आप जीवित अवस्था में रह ही नहीं पाएंगे, इसलिए सर्वप्रथम यहां पर आहार को रखा गया। अब आहार के अंदर सबसे पहले डिस्कशन होगा प्राणाचार्य का। प्राणाचार्य भैया, प्राणों की रक्षा करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो यही कह रहे हैं कि जो चिकित्सा अच्छे स्वभाव वाला हो, ऐसा डॉक्टर जिसका बिहेवियर अच्छा हो, बुद्धिमान हो, अपने चिकित्सा कार्य में तत्पर रहे, राजा का सम्मान करे, द्विजाति हो, द्विजाति का मतलब ये सम्माननीय हो, आयुर्वेद शास्त्र को जानता हो अच्छी तरीके से, ऐसी उसी को प्राण आचार्य बोलते हैं, ऐसा आचार्य चरक ने भी कहा है।
इसका कर्तव्य क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है? तो ड्यूटी वही है भाई, राजा के पास रखा गया तो राजा को बचाए, तो राजा की विष से रक्षा करे, क्योंकि योग छे मतलब एक तरीके से जितना भी कारोबार है, जितना भी बिजनेस है, जितना भी फायदा है नुकसान है, सब नफा नुकसान इसी के कंट्रोल में होता है। ठीक है, कुशल मंगल, मैंने बताया ना जितना भी कारोबार कुशल मंगल अच्छा बुरा है वो सब राजा का ही कंट्रोल इसी के अधीन होता है। अब बात करते हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि राजा के भोजन की रक्षा करे, उसके सोने से लेकर के उसके कपड़ों तो से लेकर के उसकी रत्न माला सब में निगरानी करे कि कुछ कहीं मिलाव तो नहीं हुआ है। ठीक है, बात करते हैं विषाक्त भोजन की। विषाक्त भोजन की देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ पहचान होती है, पहले के जमाने में कोई लेबोरेटरी वगैरह नहीं हुआ करती थी विष को पहचानने के लिए, कुछ कॉमन सेंस हुआ करते थे जिसके जिसके द्वारा जिन लक्षणों के द्वारा हम विष को पहचाना करते थे। तो उन लक्षणों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मैं एक साथ ही बताऊंगा, आप देख रहे होंगे काफी सारी परीक्षा है, इन सारी परीक्षा को मैं एक ही लेक्चर में खत्म कर दूंगा। फिलहाल उम्मीद है मजा आया होगा, तो अगर इससे ज्यादा आपको थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए और चीजों को और अच्छी तरीके समझना है तो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं जिसमें वन टू वन इंटरेक्शन रहता है। तो ये मेरा नंबर है 8630838731, बींग डॉक्टर ऐप हो सकता है आप लोगों ने डाउनलोड ना किया हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा उसका लिंक डलवा दिया जाएगा, आप उस लिंक के द्वारा डाउनलोड करिए। मैं आपको नोट्स दिखा भी देता हूँ, मेरे पास ये मेरा ऐप है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 10 रुपये का डेमो क्लासेस का ग्रुप इसलिए दिया गया है, अगर आप चाहें तो उसको परचेज करके सारे सब्जेक्ट्स को एक बार देख सकते हैं। ये कोई इसलिए नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, ये सब इसलिए है जिससे आप चीजों को देखें और इस्तेमाल करके देख सकते हैं, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर आप देख रहे होंगे कंटेंट के अंदर पूरा फर्स्ट ईयर आ रहा है, सेकंड ईयर आ रहा है, फार्माकोलॉजी आ रहा है, क्योंकि अब हम मॉडर्न कोर्सेज भी पढ़ा रहे हैं। तो BMS फर्स्ट ईयर के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा चलिए आपको कुछ नोट्स दिखा देता हूँ, मैंने कहा समित अध्ययन पढ़ रहे हैं समित अध्ययन के नोट्स दिखा देता हूँ, चलिए चरक के नोट्स दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग अष्टांग तो देखते ही रहते हैं। मैंने कहा कोई भी रैंडमली चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने कहा मैंने चैप्टर 9 सिलेक्ट कर लीजिए, ये नोट्स हैं, आई थिंक ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास आई थिंक यहाँ पड़े हुए हैं। आई थिंक फिलहाल मैं आपको शब्द रूप के और धातु रूप के दिखा देता हूँ, क्योंकि समिता के इसमें नोट्स है नहीं है, क्योंकि चीज अपडेट करी थी। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि चीजों को काफी क्लियरली और निमोनिक्स के साथ लिखा गया है जिससे आप चीजों को समझ पाए, इंजॉय कर पाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे मॉडर्न के नोट्स भी हैं, वो नोट्स आपको दिखा देता हूँ फार्माकोलॉजी के, समिता के फिर किसी दिन जरूर दिखाऊंगा, इस बार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर किसी दिन जरूर दिखाऊंगा। ये हमारी फार्मा क्लासेस हैं, ठीक है आप देख पा रहे होंगे, और इसके अलावा ये पूरे नोट्स हैं डायबिटीज मेलाइटिस के। ठीक है, तो जो भी कोई समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, सी ऑल टुमारो, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए।